बिहार और खासकर कई जिलों में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ने से कई इलाके सील कर दिए गए हैं। बता दें कि मधुबनी के जिलाधिकारी के निर्देश के बाद 3 दिनों के लिए मधुबनी शहर में इलाके को सील ही नहीं किया गया, बल्कि पूरी तरह लॉकडाउन किया गया है। गिलेशन बाजार में 9 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। शहर में कुल 14 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। शहर में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसके लिए 3 दिन के लिए केवल किराना एवं दवा दुकान ही चालू रहेगा। शेष सभी दुकानें बंद रहेंगे। सभी तरीके का परिवहन भी बंद कर दिया गया है। COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए मधुबनी शहर का सहयोग जरूरी है। दवा किराना खरीदने हेतु मास्क लगाकर ही जाए, नहीं तो 50 रुपये फाइन लगेगा। यहाँ के पूर्व मेयर ने बताया, विडम्बना है कि कोरोना ऐसे महामारी में हमारे वार्ड नंबर 16 और खास करके लोहापट्टी में कोरोना के 9 संक्रमित हो गए हैं, जिस कारण से माननीय समाहर्ता रामचंद्र देओल, हमारे SDO सर, हमारे BDO और अरुण बाबू थाना इंचार्ज के द्वारा हमको आदेशित किया गया कि आप पूर्व मेयर रहे हैं और वर्तमान में आपकी पत्नी वार्ड पार्षद है, आप अपने तमाम एरिया को इस तरीके से प्रतिबंधित कर दें कि बाहर से आने वाले तमाम लोग बचे रहें और आपके लोग भी बाहर ना जाएं, ताकि संक्रमित शहर को दूषित ना करें, यहाँ के आम जनता को नुकसान ना हो। जिस कारण से अभी मैं मार्केटिंग कराना शुरू किया हूँ और रात के 10 बजे तक हमारे तमाम कंटेनमेंट जोन जो DM समाहर्ता महोदय के द्वारा घोषित किया गया है, उसको मैं रात 10 बजे तक पूरा सील कर दूँ। किस किस एरिया को सील किया गया, कहाँ से कहाँ तक? हमारा पहला पॉइंट है HDFC बैंक कुमार रेडियो के गली के आगे, दूसरा पॉइंट है भाटा चौक, तीसरा पॉइंट है सुभाष चौक, चौथा पॉइंट है कबीर स्थान चौक। चूँकि एक मटकोर है गरीब व्यक्ति का, तो मार्केटिंग कर देंगे, अभी हम उसके घर के आगे लगा दिए हैं। बाकी वार्ड नंबर 16 और सूरतगढ़ गिलेशन के तमाम एरिया को मैं सील कर रहा हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मैं पूर्व मुख्य पार्षद विजय कुमार चौधरी बोल रहा हूँ। वहीं मधुबनी में जिलाधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं एवं सभी अधिकारियों के संपर्क में हैं। बफर जोन में भी अब कंटेनमेंट जोन की तरह नियमों का सख्ती से मधुबनी में पालन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने मधुबनी जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवड़े के सुझाव को सभी जिलों को अपनाने का भी आदेश दिया है। 4 जुलाई को मधुबनी के 19 संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और सख्ती से निर्देश का अनुपालन करने का भी आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि मधुबनी के DM ने कहा है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उन सारी गतिविधियों का अनुपालन बफर जोन में भी कराए जाने के कारण सुझाव मिला है। मुख्य सचिव को दिया गया है जिनका अनुपालन कंटेनमेंट जोन में होता है, जिस पर मुख्य सचिव ने फौरन अपनी सहमति जता दी है। इसके बाद अन्य जिलों में भी अपनाने का आदेश दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि राज्य में COVID-19 के संक्रमण के बढ़ने के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन का महत्व एवं अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़ पर हर अपडेट खबर कोरोना ब्रेकिंग। तो अंत में बता दें, मधुबनी के वार्ड 1 से लेकर के 30 वार्ड तक को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि 16 वार्ड में 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।